जेजीपी विधायक दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरी किसी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है, जो सम्मान देगा उसका समर्थन किया जाएगा। तो कई साथियों ने बीजेपी के साथ जाने की सलाह दी तो मुझे विधायक दल का नेता चुना गया, तो कुछ साथियों ने कांग्रेस जाने की सलाह दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से सियासी उठापटक हरियाणा की सियासत में चल रही है, उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दुष्यंत चौटाला की तरफ से दिया गया है। तो जिस तरह से किंग मेकर की भूमिका यहां पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी निभा रही थी, ब्रांड लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि उनकी किसी भी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है। कुछ साथियों ने बीजेपी में जाने की सलाह दी तो कुछ ने कांग्रेस जाने की सलाह दी है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों अछूते नहीं। तो जेजेपी विधायक दुष्यंत चौटाला का ये बयान सामने आया और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि चाबी अभी भी पास है, दरवाजे खुले हुए हैं सभी के लिए, जो सम्मान देगा समर्थन उसे दिया जाएगा। तो सरकार में हमारी साझेदारी होने पर ही समर्थन देंगे, दुष्यंत चौटाला ने कहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी है। जो 75% रोजगार में हरियाणा की हिस्सेदारी जो मानेगा उसके साथ जेजेपी जाएगी। तो अभी किसी को समर्थन नहीं, ये उन्होंने साफ किया है और इसके लिए कोई मुलाकात भी किसी से नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए थे उसी दौरान कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम का ऑफर दुष्यंत चौटाला जेजेपी को दिया गया था, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया था। और ऐसे में कई तरह के कयास निकलकर सामने आ गए थे कि दुष्यंत चौटाला क्या कुछ बड़ा चाहते हैं या फिर उनका बीजेपी की ओर रुख है। लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि उनकी किसी भी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही जेजेपी ने अभी तक किसी को समर्थन दिया है, दरवाजे हालांकि खुले हैं वो ये कहते हुए नजर आए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि चाबी अभी भी जेजेपी के पास ही है। तो 75% रोजगार में हरियाणा की हिस्सेदारी जो मानेगा तो जजपा उसका समर्थन करेगी। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से या कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता के तौर पर तो नहीं बयान दे सकता, मैं तो अपनी पार्टी का बता सकता हूँ कि हमारे संगठन का ये निर्णय है। आगे चर्चाएं होंगी, विषय रखे जाएंगे, जो भी प्रदेश के हित में बेहतर होगा उसके ऊपर हम आगे।